हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा फेशियल, जिसको आप 5 मिनट में कर सकते हैं और एकदम ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा और एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होना है। तो चलिए फेशियल को मैं शुरू करती हूँ और आप इसको देख के और किस तरह से ये करना है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ लगनी है जो हमारे घर में अवेलेबल है, हमेशा रहती है हमारे किचन में। इसके लिए हमें चाहिए दूध और गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो होता है वो हमारे फेस से सारी स्किन से सारी डस्ट सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है और एकदम ग्लोइंग स्किन होगी। अगर हमारे चेहरे पे झाइयाँ झुर्रियाँ हो गई हैं, आँखों के साइड में काले घेरे हो गए हैं, डार्क सर्कल जिसको बोलते हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, या आपको पुराने जो पिंपल्स होते हैं उसके दाग धब्बे फेस पे रह गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, सर्दियों से स्किन जो है आपकी डल हो रही है, क्योंकि सर्दियां तो जा चुकी हैं लेकिन अभी हल्का हल्का सा मौसम जो है ठंडा है और इस मौसम में हवा इतनी ठंडी सी और रेतीली हवा चलती है कि इससे हमारी स्किन जो है फटने लगती है और हमारी स्किन का ग्लो चला जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और प्यारा सा फेशियल लेके आए हैं। इसको आप चाहे तो हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है इसमें और आपकी जो स्किन है वो इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, इतनी चमकदार हो जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल कराया है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। और जो भी मैं आपके लिए लेके आती हूँ फेशियल या स्किन केयर का रूटीन वो आप जो है फॉलो कर सकें और अपनी स्किन को एकदम दमकता हुआ गोरा बना सकें। तो चलिए देखिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा फेशियल। इसमें मैंने लिया है गेहूँ का आटा। जी हाँ, यही गेहूं का आटा जिससे हम रोटी खाते हैं। हम पार्लर में जाते हैं, महंगे महंगे फेशियल कराते हैं 2000-3000, और फेशियल पार्लर वाले तो वैसे हो गए हैं कि 1000 से नीचे तो कोई फेशियल होता ही नहीं है। उसके बाद भी फेस पे कोई ग्लो नहीं आता है। 1 घंटे का फेशियल वो 15 मिनट में ही निपटा देते हैं। तो ये फेशियल इतना अच्छा है, इसमें कोई खर्चा नहीं है और मनाए उठाइए और इसको कर लीजिए। और इसके साथ में दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है कच्चा दूध। ये भी हमारे घर में हर समय अवेलेबल होता है। जब भी दूध आए आप थोड़ा सा दूध निकाल के इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और कच्चे दूध के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी डेली अपने चेहरे की मसाज हल्की सी करके इसको छोड़ दीजिए, इसका पैक जैसा लग जाएगा आपके फेस पे और उसके बाद में आप इससे धो लीजिए। बहुत ही प्यारा ग्लो आता है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, टैनिंग दूर करता है, आपके स्किन में जो झाइयाँ झुर्रियाँ जो कालापन आ गया है उसको दूर करता है। तो बहुत ही अच्छा जो दूध होता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को बहुत ही इन्हेंस करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, बस ये आटा लेना है और इसमें हमें डालना है ये दूध। इसमें उतना ही दूध डालेंगे जितना कि ये मिक्सर अच्छे से बन सके। इससे पहले, इसमें हाथ डालने से पहले मैं अपने बालों को थोड़ा बांध लेती हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ क्योंकि बालों में लगेगा। तो आप भी अपने बालों को पहले इस तरह से बांध लीजिए। ये देखिए सारे बाल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक बैंड भी लगा सकते हैं, बैंड नहीं है तो आप कोई भी दुपट्टा भी बांध सकते हैं। और देखिए अभी स्किन जो है मेरी काफ़ी डल सी हो रही है और ये फेशियल करने के बाद में आप मेरी स्किन देखिए। तो इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। इसके लिए हम कोई चम्मच या ब्रश का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें हाथ से ही इसको फेस पे लगाना है। इसमें हम उतना दूध डाल लेंगे जितना कि ये एकदम पेस्ट बढ़िया सा बन जाए। ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर इसको हम गाढ़ा कर देंगे तो ये फेस पे अच्छे से लगेगा नहीं, और अगर ज़्यादा पतला कर लेंगे तो ये फेस पे रुकेगा नहीं, रहने लगेगा। तो एकदम बढ़िया सा इसका पेस्ट हमें बना करके रेडी करना है। तो बस आटे में इस कच्चे दूध को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये आपके स्किन की सारी गंदगी को निकाल देगा। इसमें कोई दूसरा स्टेप ही नहीं हमें करना है क्योंकि हमने जो गेहूं का आटा लिया है, और ये जो आटा है हमारा चक्की से पिसा हुआ आटा है,
तो इसे हमारी स्क्रबिंग भी हो जाएगी, फेशियल क्रीम का भी ये काम करेगा और ये पैक का भी काम करेगा। कोई ज़्यादा झंझट है ही नहीं इसमें, बस एक ही स्टेप में इसमें सारा फेशियल, पूरा फेशियल के जो स्टेप होते हैं वो एक ही बार में हो जाएंगे। और ग्लो देखना आप कितना अच्छा ग्लो आता है। पुराने समय में हमारी नानी दादी लोग जो थी वो तब ये फेशियल वगैरह नहीं चलते थे, तब वो लोग अपने फेस को, अपनी स्किन को निखारने के लिए इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते थे और उनकी स्किन एकदम ग्लो करती रहती थी, दमकती रहती थी और कोई भी खर्चा नहीं होता था। आजकल शायद हम लोग इन चीज़ों को भूल गए हैं, हम लोग पार्लर जाते हैं और जब तक पार्लर में 1000-2000 रुपये खर्च नहीं कर लेते हैं तब तक हमें लगता है कि हमारे फेस पे ग्लो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी भी होती है, वही टॉवल यूज करते हैं वो लोग और हाथ भी अच्छे से धोते हैं कि नहीं धोते हैं, मतलब थोड़ा सा। और यहाँ पे हाइजीनिक तरीके से हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं, बस 5-10 मिनट की मेहनत है बस और कुछ नहीं। और जो स्टेप हैं फेशियल के स्टेप, हम सोचते हैं कि पार्लर वाली बहुत अच्छे से कर लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम घर पे भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो देखिए ये मैंने ये पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है, तो इस तरह का ही ये पेस्ट होना चाहिए। और इसको आप फेस पे ही नहीं, जहाँ भी आपका काला है, गर्दन पे और पीछे गर्दन पे, कोहनी में या पैरों में, जहाँ भी आपको कालापन है वहाँ पे आप लगा के और इसे मसाज कर सकते हैं। तो चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं। बस इसको इस तरह से हम फेस पे लगा लेंगे। बहुत ही अच्छा सा फेशियल है ये, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। स्किन जो है हमारी एकदम दमकने लगेगी इससे और हमारी स्किन की जो भी धूल मिट्टी अंदर से ये खींच के हमारी स्किन को एकदम प्योर कर देगा। तो पहले इस तरह से हम अपने फेस पे लगा लेंगे, पूरे फेस पे, और मोटी सी लेयर लगा सकते हैं क्योंकि हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा है इसमें। अच्छे से इसको यूज करिए। और इसके बाद थोड़ा सा हम हाथों में लेंगे और अब हम शुरू करेंगे अपने फेस की मसाज। तो हम फॉरहेड से शुरू करते हैं, इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, आप लोग शांत होके और आँख बंद करके अच्छे से आप अपने फेस की मसाज कीजिए। देखिए ये फेशियल स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये लिप्स के राउंड राउंड करेंगे, हर स्टेप को कम से कम 15 से 20 बार करेंगे ताकि जो गंदगी धूल मिट्टी है वो सारी निकल जाए और स्किन जो है हमारी अच्छे से चमकने लगे। तो जो भी देखिए नोज पे इस तरह से करेंगे। चीक पर राउंड राउंड मसाज देनी है हमें। आप इस तरह से 10 मिनट तक मसाज दीजिए अपने फेस को, आंखों के पास भी अच्छे से। इस तरह से गोल अभी मैं आंखों पे मसाज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। आप आंख बंद करके और अच्छे से अपनी आंखों पे मसाज कर सकते हैं क्योंकि ये जो आटा है गेहूँ का और कच्चा दूध है तो ये कोई भी आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो इस तरह से आप चीक्स को अपलिफ्ट करते हुए इस तरह से राउंड में मसाज करनी है। देखिए और हर स्टेप को हमें अच्छे से करना है क्योंकि जितना भी आप मसाज में टाइम देंगे उतने ही आपकी स्किन ग्लोइंग होगी। तो इस तरह से आप
यहाँ से ले जाके और ये कनपटी के पास में जो पॉइंट होते हैं आँख के एंड पर, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जिग जैग वाली मसाज करेंगे। आईब्रोज को इस तरह से करेंगे। ये फुल पूरे फेस की मसाज। इससे हम कम से कम 10 मिनट तक अपने फेस को मसाज दे सकते हैं। खूब अच्छे से अपने फेस को मसाज दीजिए। और देखिए साथ में मैं हाथों में भी लगा ले रही हूँ, इससे हमारे जो हाथ हैं वो भी एकदम स्किन इनकी साफ हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा ज़्यादा आपसे बन जाए तो आप हाथों पैरों में अच्छे से लगा के मसाज कर सकते हैं। आप चाहें तो नहाने से पहले इससे 15-20 मिनट पहले मसाज करके और इसको छोड़ दीजिए, और फिर आप इससे इसको छुड़ा दीजिए। नहाते समय आप बस नॉर्मल पानी से नहा लीजिए, तो इससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो साफ़ हो जाएगी और धमकने लगेगी। आपको साबुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा ये दूध जो होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से साफ करता है, हमारे दाग धब्बों को दूर करता है। तो अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे 10 मिनट तक, ताकि ये हल्का सा सूख जाए। और सूखने के बाद में हमें इसमें 5 मिनट तक और मसाज देनी है, और उसके बाद में हम इसको धुल लेंगे। तो चलिए मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। हल्का सा ये ड्राई, मतलब पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए, सेमी ड्राई हो जाए, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए हल्का हल्का सा सूख चुका है, सेमी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें हल्की सी मसाज फिर से देंगे, जो भी 2 मिनट 4 मिनट आप मसाज दे सकते हैं आप दीजिए इसको। और मसाज जो करनी है वो राउंड शेक में ही करनी है, राउंड राउंड करनी है सारी। और देखिए ये छूटने लगा है इस तरह से, तो एक उबटन की तरह ये छूटने लगा है, और इससे ये सारी गंदगी जो है स्किन की निकाल देगा। अभी मैंने नेक पर इसको यूज नहीं किया है, आप जब करें तो इसको नेक वगैरह पे आगे पीछे यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गर्दन पे जो कालापन है वो भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी स्किन घर में ही इतनी ग्लोइंग हो जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी क्रीम यूज करती हैं, कौन सा सीरम यूज करती हैं, और कौन सा फेशियल कराते हैं, किस पार्लर में जाते हैं। आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं इस फेशियल के बाद। देखिए ये अपने आप से छूट छूट के गिर रहा है। आप जब इसको करें तो कोई पुराना सूट डाल दें, वैसे इसे कोई दाग धब्बे तो पड़ने नहीं है। बस ये है कि हमारे मन का वहम होता है, पार्लर में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हम वहाँ सेफ हैं, और वो लोग तौलिया वगैरह डाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारी स्किन को बहुत धमका दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हमसे पैसे ठगते हैं। और घर पे हम अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा सा फेशियल दे सकते हैं। अगर आपकी स्किन डल पड़ती जा रही है, एजिंग साइंस आपको दिख रहे हैं फेस पे, आपकी एज बढ़ रही है, आप 30 से ऊपर के हैं, 35, 40, 45,
और आपकी स्किन जो है ग्लो छोड़ दिया है उसने और वो डल होती जा रही है या आपके फेस में झुर्रियाँ आती जा रही हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी स्किन की आप इस तरह से केयर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप 1 महीने भी आप मेरे चैनल से जुड़ गए तो आपको आपकी स्किन जो है एकदम दमकने लगेगी और आप पहले से भी ज़्यादा जवान हो जाएंगे। अगर आप 40 के हैं तो आपकी स्किन 25 की दिखेगी, गारंटी है ये मेरी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो भी केयर मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी वीडियो में डालती हूँ, तो वो आप इसको कर सकते हैं। और इस फेशियल के बाद में आपको बहुत ही ग्लोइंग स्किन मिलने वाली है, यकीन मानिए एकदम फेशियल जैसा निखार मिलेगा आपको। देखिए अभी मेरी स्किन चमकने लगी है, अभी इसको मैं धुल के आऊँगी तब दिखाऊँगी आपको अपना फेस। तो इसको मसाज करते करते ही हमें सारा ये जो आटा है इसको हटा देना है। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, बस 10-15 मिनट के अंदर आपका ये फेशियल हो जाएगा। अगर आपको कहीं अर्जेंट जाना है तो आप ये फेशियल ले सकते हैं। और इसके बाद में आप अपने फेस पे हल्का सा मेकअप करिए, बहुत ज़्यादा मेकअप करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, इनको आप दबा सकते हैं आंखों को इस तरह से दबा के, और एकदम से छोड़ दीजिए। 2-3 सेकंड के लिए दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। इससे आपकी आईज को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कान के पीछे वाला पॉइंट, अगर इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा दबा लेते हैं तो जो आपका फेशियल है वो और भी अच्छा हो जाएगा, डबल फायदा होगा इससे आपको। कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनको इस तरह से दबा लेंगे। देखिए जो आटा है वो फेस से हट चुका है, मैंने बैंड नहीं लगाया था तो कुछ बालों में थोड़ा सा आटा लग गया है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब करें तो सिर पे या तो बैंड लगा लें, हेयर बैंड भी लगा सकते हैं जिससे बाल सारे ऊपर हो जाएं, नहीं तो आप कोई कपड़ा या दुपट्टा वगैरह भी बांध सकते हैं। अब देखिए मैं हल्का सा ये कच्चा दूध लूँगी, और इसको मैं अपने हाथों में इस तरह से करके और एक बार पूरे फेस पे इसे थोड़ी सी मसाज दूंगी। ये स्टेप आप जरूर करें, इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा फेस पे। और इसमें ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये आटा और दूध आपके मुंह में हल्का सा चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ना ही आंखों को आपको हार्म पहुंचाएगा, ना ही आपके फेस पे और ना ही आपकी स्किन में, अगर आपके मुंह में भी चला जाता है तो इससे कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, इसको हम खाते हैं, दूध भी पीते हैं और आटे की रोटी बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक फेशियल है। इससे आपकी जो स्किन है वो गोरी चमकदार हो जाएगी।
देखिए दूध एकदम से गायब हो जाता है फेस से और जो भी बचा हुआ आटा है वो सारा निकल रहा है। स्क्रब इतना बढ़िया होता है, इससे सारे ब्लैक हेड्स जो हैं वो बस हल्की सी मसाज से ही निकल जाते हैं। पार्लर में वो आपको ब्लैक हेड्स निकालने के लिए मशीन वगैरह का यूज करते हैं, जो हमारी स्किन को काफ़ी हार्म पहुंचाती है। और जो क्रीम्स होती हैं उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हर किसी को सूट भी नहीं करते। तो देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। अभी मैं आपको फेस को धुल के दिखाती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फेस धुलने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं मुंह धुल के आ चुकी हूँ और अभी मैंने फेस को पोंछा भी नहीं है। तो ये मैं फेस को पोंछ लेती हूँ। देखिए स्किन एकदम से कितनी प्यारी हो गई है, सारे ब्लैक हेड्स वगैरह सब निकल गए हैं, स्किन एकदम स्मूथ हो गई है। और मैंने नॉर्मल वाटर से ही वॉश किया है तो इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा ग्लो आया है इस फेशियल से और इसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं हुआ है। स्किन एकदम से ग्लोइंग ग्लोइंग हो गई है और बड़ा ही फ्रेश फ्रेश महसूस हो रहा है, जैसे कि पार्लर से फेशियल करा के आते हैं। तो मेरी मानिए तो आप ये फेशियल ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहले फेशियल से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप चाहें तो इस फेशियल को वीक में 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। इसका कोई भी हार्म नहीं है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा ये, बल्कि आपकी स्किन जो है दमकना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन में जो जो झाइयाँ झुर्रियाँ कालापन वो है वो सारा दूर हो जाएगा और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग चमकदार हो जाएगी। और अब इसके बाद में मैं लगाऊंगी एक सीरम। वो जो सीरम है वो भी मैंने घर पे ही बनाया है। देखिए तो इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है, ये मैंने बना के रखा है। इसमें मैंने डाला है ग्लिसरीन, थोड़ा सा बादाम का ऑयल, आलमंड ऑयल जो होता है, और थोड़ा सा डाला है मैंने एलोवेरा जेल, और तीनों को डाल के अच्छे से बस सेक कर लिया है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा सीरम बन के रेडी हो गया है। इसको मैं रात में भी यूज करती हूँ और यही सीरम मैं लगा लेती हूँ तो बहुत ही जरा सा लगता है ये, बस आके इसकी 1-2 ड्रॉप ही काफ़ी हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये सीरम। लेकिन इससे पहले हम फेस को थोड़ा सा ये लगाएंगे गुलाब जल। तो इस तरह से स्प्रे की बोतल में आप भी भर के रख लीजिए, जब भी मुंह धुलें तो इस तरह से गुलाब जल से अपने फेस को टोन जरूर करें। इससे जो है ये गुलाब जल जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो कोई भी महंगा ये जो टोनर मार्केट में आ रहे हैं ये लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको लेने की। आप गुलाब जल से अपने फेस की टोनिंग कर सकते हैं, बस इसको 1-2 मिनट रखना है, उसके बाद इसका हल्का सा डैप डैप करके इस तरह से हम जो भी एक्स्ट्रा गुलाब जल रह गया है उसको हम हटा देंगे। इससे हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग होती है और हाइड्रेटेड होती है हमारी स्किन। देखिए कितनी अच्छी सी नमीदार हो गई। और उसके बाद में ये सीरम, तो इसको पहले हम अपने हाथों पे अच्छे से बॉम करेंगे और इसके बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। इसको आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं, आई के आसपास भी इसे मसाज दीजिए।
फ्रेंड बहुत ही अच्छा फेसियल है, इसको आप ज़रूर यूज करिए और कैसा रिजल्ट मिलता है आपको आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। देखिए मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग ग्लोइंग हो गई है और मैंने किसी भी फिल्टर का यूज नहीं किया है, आप लिपस्टिक से पता लगा सकते हैं। देखिए अभी जो लिपस्टिक मैंने लगाई थी वो हल्की सी छूट चुकी है, देखिए हल्की सी लिपस्टिक रह गई है और मैंने कोई भी फिल्टर यूज नहीं किया है। हाथों का कलर भी देख सकते हैं आप, मैंने हाथों पे भी लगाया था तो हाथ भी कितने ग्लोइंग ग्लोइंग हो रहे हैं। तो इसको आप हाथ पैरों पर भी यूज कर सकते हैं, आपके हाथ पैर भी जो हैं आपके फेस की तरह चमकेंगे। तो इसको आप सीरम को लगाने के बाद में आपको कोई भी क्रीम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपनी आईब्रोज को मसाज दीजिए थोड़ा सा, इससे आईब्रो जो है ऊपर की तरह उठती हैं और फेस जो फॉरहेड है उस पर आप इस तरह से मसाज दे दीजिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फेसियल, बिंदी लगा लेती हूँ क्योंकि बिंदी मेरी छूट गई है। तो फ्रेंड्स आपको ये फेसियल अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मैं आपके लिए इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से और बिना खर्चा वाले जो फेसियल्स हैं वो ले करके आती रहती हूँ। तो आप इनको देखिए और एक महीना आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, आपकी भी स्किन एकदम से ग्लोइंग हो जाएगी, दमकने लगेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन से पार्लर में फेसियल कराने जाते हैं, कौन सी क्रीम यूज करते हैं, कौन सा सीरम यूज करते हैं, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को इस तरह से वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। हाँ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये फेसियल का मतलब क्या रिजल्ट मिला, आपकी स्किन में कितना फ़ायदा हुआ आपको, वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। पहले ही फेसियल से आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आपने इसको 8 दिन 10 दिन भी यूज कर लिया ना, 2 दिन के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो डेली भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये फेसियल है और कोई भी इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आपकी उम्र जो बढ़ रही है ना वो रुक सी जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, बिना किए कुछ नहीं होता है। तो थोड़े बहुत तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना, पार्लर में जाते हैं 1000-2000 रुपए दे के, महीने में एक ही बार जा सकते हैं ना, ये तो हम डेली कर सकते हैं और इसमें कोई भी खर्चा नहीं है और हमारी स्किन दिन ब दिन जवान होती जाएगी। और इसके साथ ही अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। पानी जो होता है वो हमारी बॉडी का 75% होता है, तो पानी जितना पी सकें, जितना आप पी सकते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पीजिए ज़बरदस्ती, जितना आप पी सकते हैं कम से कम 1 दिन में 2.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। तो आप इसको कहीं भी भर के रख सकते हैं किसी जग वगैरह में, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि हाँ मुझे इतना पानी शाम तक ख़त्म करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप आधा आधा गिलास करके पी सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे पीते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कितने गिलास पानी पिया। तो अगर हम इसको जग में भर के रख देंगे ना तो हमें ध्यान रहेगा कि हाँ ये जग मुझे ख़त्म करना है शाम तक। और अगर आपने 2-2.5 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया ना तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करने लगेगी। तो मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसी तरह से वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। ये फेसियल ज़रूर करके देखिए, आज अभी करके देखिए, आप वीडियो छोड़िए और आप जाइए फेसियल करिए और इसका रिजल्ट देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया स्किन केयर लेके। अब मैं इसके बाद लेके आ रही हूँ बालों की केयर, क्योंकि जो एज बढ़ती आती है उसके बाद हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इतना प्यारा सा नुस्खा है, बिल्कुल फ्री का है और बहुत ही आसान है, जिसको आप हर 3rd दिन कर सकते हैं। अगर आपने 15 दिन भी कर लिया ना तो आपके बाल नेचुरल काले हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और बाल झड़ना बंद होंगे, आपके बाल मजबूत होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो का आप लिंक मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।